Dr. Sohebal Shukur, obstetrician gynecologist and infertility specialist, laparoscopic surgeon, chairperson, Meena Hospital, Attapur branch, pillar number 254. हम लोग यहाँ पर एक कैंप इनखात कर रहे हैं 10 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक, दो महीने का कैंप रहेगा, एक्सक्लूसिव फॉर चिल्ड्रन, फीमेल चिल्ड्रन एंड वुमेन, लड़कियों के लिए और लेडीज के लिए। हमारा ये स्लोगन है कि हेल्दी वुमेन फॉर हेल्दी फैमिली। जब माँ अच्छी रहेंगी या बच्चियाँ अच्छे रहेंगे तो फैमिली अच्छी रहेगी। अक्सर लेडीज अपने सेहत के ताल्लुक से अपने सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो हम लोग ये एक फ्री कैंप इनेखात किए हैं जिसमें पूरे कंसल्टेशंस फ्री रहेंगे सब डिपार्टमेंट्स में, सिर्फ गायनेकोलॉजी में नहीं, ऑफ्थैल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, फिजिशियन, जनरल सर्जन और ईएनटी सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पूरे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। 17 डिफरेंट सुपर स्पेशलिटीज हैं हमारे पास, जहाँ पे 17 लेडी सर्जन्स हैं कंसल्टेंट्स, उसमें सब फ्री रहेगा। और इसमें अगर एडमिशन की ज़रूरत पड़ी या सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो और कोई प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ी तो 20% डिस्काउंट रहेगा, और इन्वेस्टिगेशंस पे भी 20% डिस्काउंट रहेगा, जैसे सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है या ब्लड टेस्ट है, और अगर फार्मेसी के बिल में 10% डिस्काउंट रहेगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे पूरे फीमेल्स के लिए है, तो अपने मदर्स के साथ ज़रूर आइए, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप यंग बच्चियाँ हैं और आपको पीरियड्स बार बार हो रहे हैं या वाइट डिस्चार्ज हो रहा या ब्रेस्ट में कोई लंप है या पीसीओडी का प्रॉब्लम है या वेट गेन हो जा रहा या आपका रंग कम हो जा रहा है, आपके चेहरे पे कील वहाँ से आ जा रहे हैं या आपके बाल जा रहे, हेयर फॉल हो रहा, तो आपके मदर्स के साथ आइए और आके यहाँ पे ट्रीटमेंट कराइए। हम लोग पूरी प्राइवेसी में आपका इलाज करेंगे, आप कोई शर्माने की, कोई शाई फील करने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता, दो चार दिन बढ़ जाते घर में, आजकल सब लोग क्या कर रहे हैं, घर में एक स्ट्रिप आता जिसे यूरिन टेस्ट कर ले रहे हैं, उसमें दो लाइन आ गए तो पॉजिटिव आ जा रहा, उसके इमीडिएट बाद आप स्कैन करा लेना कि मालूम करने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में है या यूट्रस के बाहर है। अगर आप वो नहीं कराए तो अक्सर लोगों को ट्यूब में प्रेगनेंसी आने का देर से मालूम होता, तो वो अगर आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में है तो आप सेफ है उसमें। उसके साथ जैसे ही आपका प्रेगनेंसी स्कैन पॉजिटिव कंफर्म हो गया, उसके साथ आप टेस्ट करा लेना। टेस्ट कराने से ये ज़्यादा फायदा होता है कि आपको थायराइड है या शुगर है, अगर थायराइड बढ़ा हुआ रहा तो आपका अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते, अगर शुगर बढ़ गई तो भी अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते फर्स्ट 3 मंथ्स में, और अगर हीमोग्लोबिन कम है तो अपन हीमोग्लोबिन को भी बराबर कर ले सकते। आज ही एक पेशेंट आए, देखिए उनका 6 वीक्स प्रेगनेंसी नहीं है मगर 6 वीक्स प्रेगनेंसी है, उनका शुगर टेस्ट कराए तो 200-300 के तकरीबन बता रहा। तो अब हम लोग उनका शुगर टेस्ट नॉर्मल करके उनको इंसुलिन पे कन्वर्ट करना पड़ता, अगर नहीं करे तो उनको 12 वीक्स के अंदर उनकी प्रेगनेंसी अबॉर्शन होने का डर रहता। एमनियोसेंटेसिस का क्या है, हम लोग जैसा फर्स्ट प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी जैसा ही मालूम होती कंफर्म होती तो हम उसमें 6 से 8 वीक्स में फर्स्ट प्रेगनेंसी स्कैन रहता, उसमें यह मालूम होता कि आपको दिल की धड़कन आ गई नहीं आ गई, कार्डियक एक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट स्कैन 13-14 वीक्स में रहता, इसको एंटी स्कैन बोलते। इसमें क्या रहता, इसमें मालूम होता है कि बच्चा नॉर्मल है या थोड़ा कम है नॉर्मल। अगर उसमें एंटी स्कैन में कुछ अबनॉर्मैलिटी निकली तो एमनियोसेंटेसिस के लिए एडवाइस करते। ये 16-18 वीक्स में होता मगर आजकल एमनियोसेंटेसिस कराने से अबॉर्शन होने के चांसेस रहते। तो आजकल नया टेस्ट आया है, NIPT टेस्ट बोलते, इसका ब्लड टेस्ट रहता। ये टेस्ट फर्स्ट मंथ से लेके आप 9th मंथ तक ब्लड टेस्ट करा सकते, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है बेबी के लिए पालन हो जाता। तो पे जो नॉर्मली अपने हेल्थ को, अपनी सेहत को बहुत नज़रअंदाज कर देती है, तो ऑफ्थल्मोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो जो लेडीज़ में जो स्पेक्ट्रम ऑफ जो डिजीज़ हो सकते हैं या अबनॉर्मलिटीज़ हैं उस पर हम फोकस करने वाले हैं कैंप में। फर्स्ट थिंग इज़ जो स्कूल गोइंग जो बच्चियां रहती हैं उनमें अक्सर डिजिटल डिवाइसेस के ओवर यूज़, यानी ज़्यादा फ़ोन्स या सिस्टम या लैपटॉप वगैरह ज़्यादा यूज़ करने से नंबर जल्दी आ जा रहा है, यानी मायोपिया। तो उसके लिए करेक्शन, अक्सर बच्चियों को मालूम ही नहीं रहता है कि उनको है नंबर, तो जब टेस्ट करेंगे तो मालूम होता है कि नंबर है तो हम ग्लासेस दे सकते हैं।
सेकेंड इशू है ड्राइनेस। ड्राइनेस यानी आंखों में खुश्की, यानी आंसुओं की जो कमी से जो सिम्टम्स आते हैं। तो ड्राइनेस हम देख रहे हैं कि सभी एज ग्रुप्स में दिख रहे हैं, मतलब बचपन से लेके ओल्ड एज तक। तो उसका भी हम लोग, हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होता है। थर्ड थिंग लेसिक। तो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप की बच्चियां हैं या उसके बाद जो यंग एज की जो विमेन है, तो मोटी ऐनक को जब मोटी ऐनक लगाना पड़ता है नंबर की वजह से, तो कॉन्शियस हो जाती हैं। तो उनके जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए लेसिक एक बहुत अच्छा तरीका है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जिससे कि वो मोटी ऐनक निकाल के वो लोग ग्लासेस से फ्री हो सकते हैं। थर्ड थिंग और एक प्रॉब्लम, कॉस्मेटिक इशू जो पाया जाता है यंग लेडीज में, वो है स्क्विंट, यानी तिरछेपन का। सो जो जब आंखें तिरछी होती है किसी की, तो उनमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो हमारे पास एक बहुत एबिलिटीज है, उनको सर्जरी के सर्जरी से उनको जो बच्चियों को जो कॉन्फिडेंस कम हो गया है वो वापस लौटा सकती है। मेनली स्क्विंट, टोसिस, इवन जो मिडल एज वेमेन में जो आई बैग्स और कभी कभी ड्रूपी आईलिड्स होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन हेल्प कर सकते हैं। द अदर थिंग इज डायबिटीज और ग्लोकोमा की वजह से जो इश्यूज आते हैं, वो भी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट हो जाता है, और उसके लिए भी लेडी स्पेशलिस्ट हैं रेटिना की। एंड कैटरैक्ट तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हर किसी में, और लेडीज में ये होता ही है। तो हमारे पास ये कैटरैक्ट सर्जरीज बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये हमारे इसमें शामिल हो। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम, मैं डॉक्टर सुमेरा यास्मीन हूँ। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, जिसको उर्दू में जहनी डॉक्टर या नफ्सियाती डॉक्टर भी कहते हैं। जहनी सेहत हर ज़िंदगी के मरहले में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे छोटे बच्चे, फिर थोड़े बड़े बच्चे, फिर बड़े लोग, और ज़्यादा उम्र दराज लोगों में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारी जहनी सेहत ठीक नहीं है, तो हम घर के काम भी नहीं कर सकते, हमारे कई सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ख़ास करके जहनी सेहत औरतों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों के ऊपर होती है। अगर एक औरत ज़हनी तवाज़ुन सही रहा और सेहत उसकी अच्छी रही, तो वो घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से उठा सकती है। सो बहुत कॉमन जो ज़हनी बीमारियां हमें दिखती हैं, वो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर्स है, एडिक्शंस है, जैसा कि छोटे बच्चों में खासकर और अभी औरतों में भी स्क्रीन टाइम का ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया है। स्क्रीन एडिक्शंस जो हम बोल रहे हैं, वो ज़्यादा हो गए हैं। और इसके अलावा जैसा पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जो डिलीवरी के बाद औरतों में थोड़ी गमगीन हो जाते हैं, फिर उनको गलत गलत ख्याल आते हैं, हर चीज़ पर वो डिप्रेस हो जाते हैं। सो हम पहचाने कैसे कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन में जैसे हमारा मूड लो हो जाता है, हमें किसी काम में ध्यान नहीं लगता, हमारी एनर्जी कम हो जाती है, ब्रेन में डिस्टर्बेंसेस आते हैं, कम हो जाते हैं। ऐसी डायबिटीज है, इसमें हमें धड़की होना शुरू हो जाती है, कपकपाहट होना शुरू हो जाती है, सर में दर्द होता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप लोगों को इसमें से कोई प्रॉब्लम्स है, तो ज़रूर आएँ और मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्ट करें। जहनी बीमारी कोई स्टिग्मा का चीज़ नहीं है, ये कॉमन है, जिस तरह जिस्मानी बीमारियाँ कॉमन है, जहनी बीमारियाँ भी कॉमन है। सो प्लीज़ कम एंड कम्युनिकेट हियर, गेट योर डिसीज ट्रीटेड। थैंक यू। आई एम डॉक्टर निकिता शिरीन, जनरल फिजिशियन, मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जातापुर। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप जो है, ऑल ऑफ देम सफरिंग विद शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, दोज हु हैव क्रॉनिक जॉइंट पेन्स ऑन लॉट ऑफ पेन मेडिकेशंस, दे शुड कम एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड। योर किडनी शुड बी स्क्रीन, योर हार्ट शुड बी स्क्रीन, एंड कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ दीज एज ग्रुप्स कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड। एंड एज ग्रुप्स लेस देन विथ एज लेस देन 20 ईयर्स, दोज हु आर हैविंग प्रोलॉन्ग्ड फीवर्स, प्रोलॉन्ग्ड जॉइंट पेन्स, वीकनेस, weight abnormalities, they also can come and get yourselves checked
for any endocrine hormonal imbalances or blood related issues. And in pregnancy, we have maternal medicine available where we deal with diabetes in pregnancies, hyperthyroid, hypothyroid, as well as BP, any other general medical issues that arises during pregnancies. Thank you.